आदमी के नफ्स का जवान रहना। ये हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह अन्हु हकीमुल उम्मत के चंद मवाइज़ हैं। ये कहे कि किसी चीज़ की मोहब्बत में आदमी का नफ्स हमेशा जवान रहता है, चाहे वो इतना बूढ़ा हो गया हो कि उसके जबड़े भी मिल गए हों। यानी मुंह नहीं खुलता मगर नफ्स की जवानी नहीं जाती, वो अब तक जवान है, सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक्वे के लिए चुन लिया हो, वो मुस्तस्ना है। और ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। ये मज़मून हदीस शरीफ का है। एक हदीस में फरमाया है, यहरमु बनु आदम व यशुब्बु मिन्हु इस्नानि अलहिर्सु अलल माली वलहिर्सु अलल उम्री। आदमी बूढ़ा होता रहता है लेकिन दो खसलतें उसके अंदर जवान होती रहती हैं। जूं जूं उसकी उम्र ढलती जाती है, ये दो आदतें उसकी जवान होती रहती हैं। एक माल की मोहब्बत और दूसरी तवील उम्र यानी ज़्यादा जीने की मोहब्बत। ये चीज़ इंसान में फितरी तौर पर रखी गई है और रखी भी ऐसी गई है कि बूढ़ा होने के बाद आदमी का मान तमाम चीज़ों से सर्द हो जाता है। बहुत खा लिया, बहुत कमा लिया, अब छोड़ दें किस्सा। अल्लाह ताला ने घर बार दिया, आल व औलाद दी है, बहुत वक्त गुजार दिया, अब आगे की तैयारी करें। लेकिन नहीं, इस हालत में भी बड़े मियां का दिल नहीं भरता, जबकि पांव खबर में लटके हुए हैं, चाहता है कि माल ज़्यादा से ज़्यादा हो और शेख चिल्ली की तरह अपनी आरज़ूएं पुकारता रहता है। ये फितरी चीज़ है, सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वे के साथ मखसूस कर दिया है, जो खुदा के खौफ उनके दिल में है, उनका दिल सर्द हो जाता है।